हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE, एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश। स्वागत है आपके इस चैनल पर ECLE के। हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है और मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से, पिछले 10-12 दिनों से मैं आपके बीच में वीडियो नहीं ला पाया हूं। इसका कारण ये है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं रायसेन में था, जिसके कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया और मैं काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा रायसेन में। डेट्स वाई आई कुडंट मेक वीडियो फॉर यू। लेकिन रायसेन के आने के बाद मैं आपके बीच में फिर से लेकर आया हूँ स्पोकन क्लास का स्पेशल बैच, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे और जो हमारा रह गया था यूज ऑफ देयर का फ्यूचर वाला टेंस, आज हम कवर करने वाले हैं। और अब से आपकी क्लास बिल्कुल रेगुलर रहेगी, बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। और इस बार आपकी सैटरडे भी आपकी क्लास रहेगी, जो छूट गया है उसको हम फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ एक शॉर्ट वीडियो में यूज़ ऑफ देयर जो रह गया था, उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इंग्लिश स्पोकन के बैच में। सो स्टार्ट करने से पहले मेरा अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, ताकि नई वीडियो आपके बीच में पहुंच सके और आप अंग्रेजी सीख सके। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में यूज़ ऑफ देयर के फ्यूचर में। मैंने यूज़ ऑफ देयर का जब पिछले 10-12 दिन पहले प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में पढ़ा चुका था, उसकी प्रैक्टिस भी करा चुका था और हम आज आगे पढ़ेंगे। तो यूज़ ऑफ देयर का फ्यूचर फॉर्म, इसकी पहचान है होगा, होगी, होंगे। ओके, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आप देख लीजिए। देश में बेरोजगारी होगी, भारत में जातिवाद होगा, किताबों में ज्ञान होगा, मोबाइल पर कांच होगा। सो यह जो एग्जांपल सेंटेंस है और हम इसको हम बनाना सीखेंगे यूज़ ऑफ देयर को बिल्कुल ईजी बेस फॉर्म में, जो जैसा मैं आपको सिखाया करता था। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम इसको फॉर्मूला लिखेंगे, जो मैं फॉर्मूला लिखाता हूँ तो फॉर्मूला इस प्रकार है, आप देख लीजिए। ओके, क्या है भैया, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान से देख लो, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सॉरी, यहाँ हमें देयर का यूज़ करना चाहिए, या देयर प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी प्रकार हम नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे, नेगेटिव फॉर्म भी बिल्कुल आसानी से बनाएंगे, आप देख लीजिए। ओके, शैल बी के बाद नॉट लगता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, 6 फॉर्म में बिल्कुल आसानी से बनाएंगे हम लोग। ओके, विल ऑब्लिक शैल, वैसे 99% आपका विल का उपयोग होगा, विल बी का उपयोग होगा, लेकिन फिर भी मैं शैल बी का लिखवा रहा हूँ, अगर एक्सेप्शन में अगर हो सकता है। ओके, सो ये आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गया। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला बनाएंगे, देखो ध्यान से भैया। ओके, बिल्कुल ध्यान से, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, इसी प्रकार हम क्वेश्चन वर्ड वाला बना लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड विल ऑब्लिक शैल प्लस देयर प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसी प्रकार है एक क्वेश्चन वर्ड विल ऑब्लिक शैल प्लस देयर प्लस नॉट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट। ओके, जो भी रेगुलर क्लास मेरी देख रहा होगा, देखी होगी, तो आसानी से स्ट्रक्चर को समझ सकता है। ओके, ये देयर प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसी प्रकार मैं नॉट लगाया, देख लो ये कहीं गलती तो नहीं है, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, विल ऑब्लिक शैल प्लस देयर प्लस नॉट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड। इसी प्रकार जो लास्ट नीचे वाला क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस देयर प्लस प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, पर क्वेश्चन वर्ड लास्ट वाला भी है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस देयर प्लस नॉट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट। सो यह क्या है आपका भैया, यह आपका है स्ट्रक्चर, इसी प्रकार हमें फॉलो करना है। सो इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वेरी गुड।
फॉर द टेकिंग द स्क्रीनशॉट। ओके सो मैं इसको रब करता हूँ। ड्यू टू द लैक ऑफ द प्लेस, जगह की कमी के कारण, पर मैं आपको सेंटेंस बनाना बताऊंगा। ओके सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया आई होप, और इसी स्क्रीनशॉट को देखकर आपको सेंटेंस बनाने हैं ताकि सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। तो देश में गरीबी होगी तो कैसे बनाएंगे भैया? देश में गरीबी होगी, गरीबी होगी। ओके क्या बनाएंगे? देयर से बनाएंगे ना, देयर विल बी, सॉरी प्लस लगा दिया मैंने, देयर विल बी पॉवर्टी इन कंट्री, बना सकते हैं ना, देयर विल बी पॉवर्टी इन कंट्री, देश में गरीबी नहीं होगी, देश में गरीबी नहीं होगी, बना भैया, देयर विल नॉट बी पॉवर्टी इन कंट्री, बना लिया। क्या देश में गरीबी होगी? क्या देश में गरीबी होगी? कैसे बनाएंगे भाई? विल देयर बी पॉवर्टी इन कंट्री। क्या देश में गरीबी नहीं होगी? क्या देश में गरीबी नहीं होगी? गरीबी नहीं होगी। क्या बनाएंगे? विल देयर, देयर के बाद नॉट लगेगा, फिर बी पॉवर्टी इन कंट्री। ओके देश में गरीबी कहाँ होगी? देश में गरीबी कहाँ होगी? वेयर विल देयर बी पॉवर्टी इन कंट्री, बना सकते हैं आसानी से। देश में गरीबी कहाँ नहीं होगी? देश में गरीबी कहाँ नहीं होगी? कहाँ नहीं होगी? क्या भाई, क्या आएगा भाई? वेयर विल दे आर नॉट के बाद बी पॉवर्टी इन कंट्री, आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल देख लो, बहुत ही आसानी के साथ हम बना सकते हैं। यूज ऑफ देयर के सेंटेंस, देश में गरीबी होगी देयर विल बी पॉवर्टी इन कंट्री, देश में गरीबी नहीं होगी देयर विल नॉट बी पॉवर्टी इन कंट्री, क्या देश में गरीबी होगी? विल देयर बी पॉवर्टी इन कंट्री, क्या देश में गरीबी नहीं होगी? देयर विल नॉट बी पॉवर्टी इन कंट्री, देश में गरीबी कहाँ होगी? वेयर विल देयर बी पॉवर्टी इन कंट्री। ओके देश में गरीबी कहाँ नहीं होगी? वेयर विल नॉट बी पॉवर्टी इन कंट्री। ओके पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, तो हम आसानी के साथ सेंटेंस हम बनाना सीख सकते हैं। तो आओ हम प्रैक्टिस करें। भारत में जातिवाद होगा, देयर विल बी कास्टिज्म इन कंट्री, सॉरी इंडिया, भारत में जातिवाद नहीं होगी, होगा देयर विल नॉट बी कास्टिज्म इन इंडिया, क्या भारत में जातिवाद होगा? विल देयर बी कास्टिज्म इन कंट्री, सॉरी इंडिया, क्या भारत में जातिवाद नहीं होगा? विल देयर नॉट बी कास्टिज्म इन इंडिया, भारत में जातिवाद कहाँ होगा? वेयर विल देयर बी कास्टिज्म इन इंडिया, भारत में जातिवाद कहाँ नहीं होगा? वेयर विल नॉट बी कास्टिज्म इन इंडिया। सो ऐसे ही हम बना सकते हैं। किताबों में ज्ञान होगा, देयर विल बी नॉलेज इन बुक, किताबों में ज्ञान नहीं होगा। देयर विल नॉट बी नॉलेज इन बुक, क्या किताबों में ज्ञान होगा? विल देयर बी नॉलेज इन बुक, क्या किताबों में ज्ञान नहीं होगा? विल देयर नॉट बी नॉलेज इन बुक, किताबों में ज्ञान कैसा होगा? हाउ विल देयर बी नॉलेज इन बुक, किताबों में ज्ञान कैसा नहीं होगा? हाउ विल देयर नॉट बी नॉलेज इन बुक। ओके बहुत आसानी से बना सकते हैं। मोबाइल पर कांच होगा, ये आपको बनाना है। ओके सो यह यूज ऑफ देयर का फ्यूचर फॉर्म था, शॉर्ट पीरियड ही। मैं समझ सकता हूँ कि 10-12 दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको अलग सा लग रहा होगा,
लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसी फ्लुएंसी के साथ, उसी फ्लो के साथ मैं आपको पढ़ा सकूं जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा सकता था, बल्कि और अच्छे तरीके से मैं इम्प्रूव कर सकूं आपको पढ़ाने के लिए। सो यह छोटी सी क्लास थी, और आपको यह क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं और आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो से ज़रूर देखें। मैंने आपको बताया है आप अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं, और जब इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। सो आपके वीडियो कैसे लगी मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल टिल नाउ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं कल, अपना खूब ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।